hello student good morning today we will study macavity the mystery kate today we will study this poem and understand we will understand what does poet want to share his views his opinion with us so macavity the mystery kate poet t.s eliot so the mystery kate so kate we know all that केट इज़ एन एनिमल इज इट डू हैव एन पेट केट हैव यू एवर नोटिस्ड एनी थिंग मिस्टीरियस अबाउट इट येस बिकॉज वेन एवर केट्स एंटर इन अवर हाउस वी डोंट नो इट्स प्रेजेंस राइट क्या हम उसको प्रेजेंस को भी फील नहीं कर पाते इट इज़ नॉट इजी टू से वेदर एवरी केट इज़ अस्ट्री बट मैकेटी इज़ वन फॉर श्योर सो इन दिस पोएम देर इज अ के कैरेक्टर एक कैरेक्टर है जो केट का है एंड दैट इज मैकेटी केड एंड विच इज वेरी मिस्टीरियस एनिमल वॉट इज इट दैट मेक्स हीम अ परफेक्ट मिस्ट्री किड रीड द पोएम एंड फाइंड आउट ओके तो हम ये पोएम पढ़ेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि वो मिस्टीरियस किड क्यों है सो लेट स्टडी द फर्स्ट स्टांजा Macavity is a mystery cat, he is called a hidden poe, for he is the master criminal who can defy the law, he is the bafflement of Scotland Yard and flying squads despair, for when they reach the scene of crime, Macavity is not there, so Macavity is a cat and very mysterious cat, he is, uh, the cat is doing many crimes, बहुत सारे क्राइम कर रही है सो हियर द वर्ड मास्टर मास्टर मीन्स एक्सपर्ट बैफलमेंट बैफलमेंट मीन्स पजल कन्फ्यूजन मींस डिसअपॉइंटमेंट हताश और डिफाई द वर्ड डिफाई इट मीन्स डिसोबे। एंड हियर इट इज टॉकिंग अबाउट स्कॉटलैंड यार्ड दैट फ्लाइंग स्क्वेट्स सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस हा द पोएट हियर डिस्क्राइब अस्टीरियस केट इन दिस पोएम एंड हीयर इट्स टैंड फॉर हिडन पो ओके उसके हिडन पोह है क्योंकि कभी पता ही नहीं चलता वो कैसे आ जाती है और क्राइम करके चली जाती है अ सिम्बल ऑफ क्राइम एंड क्रूअल्टीज जो हिडन पो है वो क्या है सिंबल दर्शाते हैं कि उसका क्राइम और क्रूअल्टीज के बारे में हियर इन द पोएम द कैट इज अ मिस्टीरियस फिगर इवन द फेमस डिटेक्टिव जिसको कहा जाता है एजेंसी है लाइक स्कॉटलैंड यार्ड एंड द फ्लाइंग स्क्वेड जो इंग्लैंड के है इवन दे आर फेल टू फाइंड द दिस क्रिमिनल दिस केट सो दे आर अनेबल टू फाइंड इट ही इज द मास्टर ऑफ क्रिमिनल हु डिफाई एनी लॉ और एनी लो को डिसोबे करता है मींस ग्रेविटी का जो आ ग्रेविटी का जो न्यूटन ने लॉ बनाया है इसको भी वो तेड़ तोड़ देती है सो ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु डिसोबे एनी लो डिफाई मीन्स डिसोबे ही इज द कॉज ऑफ द बेफलमेंट टू द डिक्टेटिव एजेंसीज लाइक स्कॉटलैंड यार्ड एंड फ्लाइंग स्क्वेड ही इज टू क्लेवर टू बी कोट बाय एनी वन सो नोबडी कैन कैच इट वेन दे रीच द प्लेस द क्राइम

macavity macavity there is no one like macavity he is broken every human law he breaks the law of gravity his powers of levitation would make a fakir stare. and when you reach the scene of crime macavity is not there so macavity is not there every time this uh, you know a crime is there you may seek him in the basement. You may look up in the air, but I tell you once and once again, macavity is not there. So this cat is breaking the human law. Means like fakir. Fakir is a, a person who follow द एसेस्टिक लाइफ एक स्पिरिचुअल लाइफ को वो जीते हैं एंड दे हैव द मिरिकल्स उसके पास एक जादू ही होता है मिरिकल्स होता है सो हियर पोएट कंपेयर्स मैकेविटी विथ द विथ द फ़कीर कि वो फ़कीर की तरह उड़ता है हवा में द क्राइम इज़ देअर बट मैकेविटी इज नॉट देर एज इट वॉज एबल टू फ्लोट इन टू द एयर इट मीन्स दैट इट इज ब्रेकिंग द लॉ ऑफ न्यूटन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी वो तोड़ देता है नाउ लेट सी थर्ड इजांसा मैकेविटीज जिंजर केट जिंजर मीन्स जो बहुत ही चीट करता है दूसरों को राइट right? ऐसी वो केट uh, है कि सो मैकेविटी जिंजर केट ही इज़ वेरी टोल एंड थीन। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट मैकिविटी उसका वर्णन किया गया है कि उसका लुक कैसा था मैक्यूटीज स्टोल एंड थीन यू वुड नो हिम इफ़ यू सो हिम फॉर हीज आइस आर सनकिन इन सनकिन इन सनकिन इट मीन्स डीप सो डीप आइस यहाँ पर ऐसा कह जिसकी आंखें वो डीप हो होती है वो इंसान जो होता है वो लुच्चा होता है इंसान हो या एनिमल हो सो टी एस इलियट द पोएट इज सेंग दैट दैट केट इज थिन एंड Tall, and his eyes are in, in sunken or deep. His brow is deeply lined with thought. His head is highly domed. So here it is descriptions His eyes are sunken and eyebrows are deeply lined with thoughts because he is always in deep thoughts or making planning to wreck his uh, atrocities anyway. So his eyebrows. आर लाइंड विथ था मीन्स हर बार वो सोचता रहता है कि अब किस को चीट किया जाए सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट द अबाउट द केट हिज एड इज डोम लाइक राउंड इन शेप और उसका जो हेड है बहुत ही राउंड शेप में होता है लाइक डोम हिज कोट इज डस्टी मीन्स पूरा उसका जो डस्टी मतलब वो फॉर से पूरा भरा हुआ है एंड डस्टी हिज विस्कर जो उसकी मूछी होती है लंबी लंबी सो विस्कर ओके हीट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट हिज विस्कर ही डज नॉट केयर अबाउट हीज हिज हेल्थ और हम कहेंगे अपने वो uh, कैसे दिखना प्रेस्टिज के बारे में भी वो कभी नहीं सोचता है ही स्वेज इज हैड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट्स लाइक अ स्ने

now let's talk about the last stanza macavity macavity there is no one like macavity or oh, he is a fiend and feline shape a monster of depravity you may meet him in a by street you may see him in in the square but when a crime's discovered the macavity is not there so here poet uh, uh, tells us about his more crimes uh, in the stanza पोइट्स कहते हैं कि दैट मैक्यूटी इज अ अप्रोक्रीट वेरी क्लेवर एंड कनिंग बहुत ही लुच्ची है बिकॉज uh, उसका जो इम्प्रेशन है वो अपना रिस्पेक्टेबल बताता है ओके एंड व्हेन देर इज अ क्राइम पीपल मे फाइंड द क्राइम देयर बट नॉट क्रिमिनल

वी कैन नॉट ब्लेम किसी पर हम ब्लेम नहीं कर सकते बट इस समाज में इस सोसाइटी में कितने सारे ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे दिखने के लिए क्राइम करते हैं स्कैंडल करते भ्रष्टाचार करते हैं और उसका कभी पेट नहीं भरता है राइट दे मेक मैनी क्राइम्स बट क्राइम्स आर देर बट क्रिमिनल्स आर नॉट देर जो क्रिमिनल्स होते हैं दे आर फ्रीली मूविंग इन द सोसाइटी दे हैव पावर ऑफ मनी और अपने पैसों की वजह से वो बच जाते हैं एंड मेनी पीपल्स आर देर जिसने क्राइम नहीं किए दे आर इन प्रिजन वो जेल में है बिकॉज दे हैव नो मनी दे हैव नो पावर सो हियर सो पोएट वॉन्ट्स टू शेयर अ मैसेज कि ऐसे लोगों से हमको बचना चाहिए जो लोग बस पावर में और पावर में सत्ता के अभिमान में जो क्रिमिनल्स जो होते हैं वो क्रिमिनल्स तो होते हैं बट यस क्राइम्स दिखता है बट क्रिमिनल पकड़े नहीं जाते हैं नाउ स्टूडेंट लेट्स टॉक अबाउट दी राइमी स्कीम तुम राइमी स्कीम देखते हैं तो लास्ट वर्ड पो लो डिस्पेयर देर मैकेविटी ग्रेविटी स्टेर देर एयर देर थिन इन डोम्ड अनकोम्ड स्नैक अवेक मैकेविटी डिप्रेविटी स्क्वर देयर सो वी जस्ट सी द लास्ट वर्ड ईच देर इज़ अ ब्यूटिफुल पोएम और उस सभी में राइमी स्कीम तो बन ही रही है राइट ए ए बी बी सो इन दिस वे द होल पोएम कंटेंस ए ए बी 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 राइमी ए ए बी बी राइमी स्कीम now student let's talk about the another the another literary device another literary device is anaphora anaphora means repetition of the word so in uh, we can say that in each stanza he uh, he so there is a repetition of the words it means that there is anaphora literary device used here now student let's talk about the uh, working with the poem question number 3, question number 4, question number 6, and question 7. You have to write in your notebook. Thank you and have a nice day.